अरे वॉट 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 क्या, चल उठ के बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ, तुझे खाना खिला देती हूँ। मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे, प्लीज जाइए यहाँ से। अरे व्हाट द हेल इज योर प्रॉब्लम? अरे मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, ये क्या जबरदस्ती है? और जबरदस्ती से प्यार क्या है? जबरदस्ती का हक क्या जताती है आप मुझ पर? मुझे भूख लगी ना, मैं खुद से मंगा के खा लूंगा और मैं अपने हाथों से खाना खाता हूँ, कोई खिलाने की जरूरत नहीं है। अरे बचपन से जब भी भूख लगी ना, खुद ही खाना लेके खा लिया हमने, तो ये सब करने की जरूरत नहीं। मुझे ये सब कुछ स्टूपिड लगता है, तो स्टॉप विद योर स्टूपिडिटी। आई एम श्योर तू खाना खा सकता है, लेकिन मुझे अपने हाथों से तुझे खिलाने में बहुत खुशी होगी ना। अब तू पहले क्या करता था क्या नहीं करता था वो मुझे नहीं जानना, मुझे क्या पता कभी निधि ने तुझे अपने हाथ से खाना खिलाया कि नहीं, लेकिन मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाना चाहती हूँ। प्लीज कट द क्रैप, मेरे मॉम के बारे में बात करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, तेरी मॉम के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, तो तेरे बारे में बोल रही हूँ। अब तू जितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए तो बच्चा ही है ना, तो बच्चे को तो माँ हाथ से ही खिलाती है, और अपने बच्चे से माँ कितनी भी नाराज हो जाए उसे प्यार तो बहुत करती है। हो गया आपका लेक्चर, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे भूख नहीं है, प्लीज जाइए यहाँ से। तू ऐसे बात करेगा मुझसे? हाँ मैं ऐसे ही बात करूंगा, और आप क्या करेंगी? डैड से जाके कंप्लेन करेंगी? जाइए ना, कहिए उनसे कि मैंने आपसे मिसबिहेव किया। आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बदतमीजी। प्लीज गो एंड टेल हिम कि शौर्य ने मुझसे बदतमीजी की है और आप मुझसे गुस्सा है। चाहिए तो जाके वो स्केल भी लेके आ जाइए, जाइए ना, गो 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 है। मैं क्यों करूंगी तेरी कंप्लेन? एनीवे चल, बहुत प्यार कर लिया मैंने तुझसे, बहुत लाड दिखा लिया, अब तुझे नहीं सुनना है तो तू ना सुन, पर प्लीज खाने का अपमान मत कर। तुझे मेरे हाथ से नहीं खाना है तो खुद खा ले। कभी उनके बारे में सोचा है जो सड़क पर बैठे होते हैं और एक एक टाइम के खाने के लिए इतनी स्ट्रगल करते हैं? ये तेरी किस्मत है कि खाना खुद चल के तेरे पास आ रहा है और कोई खाना खिलाने वाला भी। हो गया, अगर आपका लेक्चर हो गया हो तो प्लीज लीव माय रूम। हमेशा ऐसे ही बात करेगा क्या, इतना रूडली? एक बात बताओ, इंसान जितना सॉफ्टली बात करता है, जितना डाउन टू अर्थ होता है, उतना सब लोग उसे पसंद करते हैं। एनीवे मैं ये खाना ले जाती हूँ, डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, जब भूख लगे तो वहां जाकर खा लेना। लगता है आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना। अब आपको बात समझ आई? अभी भूख नहीं है ना, थोड़ी देर बाद लगेगी, फिर जब भूख लगेगी तो डाइनिंग टेबल के पास चले जाना और ये खाना खा लेना। पर यही खाना खाएगा तू। इन्हें क्या हो गया, ये बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही है आज, रोज की तरह कंसिस्टेंसी कम लग रही है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है? I don't understand. ये वही गेम है ना जिसने मैं तुझे पटक पटक के बड़ी बेइज्जती के साथ मर्सिलेसली हराती थी? Right, Pua, right. Look who's back, my Shoru. Yeah, Pua's back. Welcome back, Bua. But इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है ना, प्लीज मुझे ना, give me some space. मैं तुझे कंग्रेचुलेट करने आई हूँ, I'm so proud of you. मेरा शौर्य लूथरा, owner of 3 companies, congratulations. Bua, please, मुझे कंग्रेचुलेट तो मत ही कीजिए, उन 3 लूजर कंपनीज को पाने के लिए आप मुझे कंग्रेचुलेट करेंगी? प्लीज, why you be like this, शौर्य? Come on यार, तो मेरा विनर शौरू है ना, ऐसे क्यों सोच रहा है? चल ठीक है, एक काम करते हैं, तेरे लिए मान लेती हूँ मैं कि कंपनी लूजर है और छोटी मोटी कंपनी है, क्या करेगा तू इसका, तुझे ये लग रहा है कि यू डिजर्व बेटर। बट शौर्य, कंपनीज जो होती है ना वो लूजर विनर नहीं होती है, कंपनी को लूजर विनर उसका ओनर बनाता है जो कंपनी चलाता है, एंड दैट इज यू। थिंक अबाउट इट, यू ऑलवेज टेल मी ना कि बुआ आई लाइक चैलेंजेस, ओके, टेक इट एज अ चैलेंज। सोच ना इस कंपनी को, इस लूजर कंपनी को अगर तू विनर बनाएगा एक चैलेंज की तरह, How will it make you feel? Think about it. Challenges in life को ना interesting बनाते हैं शौर्य, use it to your own benefit. पुआ देखिए, it's true कि मुझे challenges पसंद है, but doesn't mean कि इन loser companies के through मुझे कुछ prove करना है। इस वक्त मुझे कोई point prove नहीं करना है।
Especially in Sabko, after giving me all these companies. Why you gotta be so rude? देखो हाइप करने आई हूँ, समझाने आई हूँ, चीजें मुझसे ही रूड हुआ जा रहा है। अरे तीन कंपनीज का मालिक है तू, और कुछ नहीं, मेरे लिए ना सही, कम से कम इस चीज के लिए स्माइल तो कर दे। I don't know, it's just that मेरा मूड खराब है, मैं आपसे कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता जिससे आपको भी बुरा लगे, so just leave me alone right now. शौर्य सुन ना यार, come on. सुन, मैं जो बोल रही हूँ ना, समझने की कोशिश तो। मतलब आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? मेरा मूड खराब है और मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जिससे आपका मूड खराब हो जाए, so just let me go. और मुझे बहुत भूख लग रही है, so I'll see you later. शौर्य, बच्चे सुन तो सही। शौर्य तू ऐसे अपसेट हो जाएगा, तेरे तीन कंपनीज वेट कर रही है, कौन संभाल? एंड ही इज गॉन। गॉड प्लीज प्लीज मेरे शौर्य को थोड़ा सा ना सेंस दे दो, थोड़ा उसका गुस्सा कम कर दो, इतने गुस्से में लड़का रहता है, कुछ कर ना दे उल्टा फुल्टा। प्लीज गॉड प्लीज 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 बी विद माय शौर्य। आज हमारे नए ओनर का फर्स्ट डे है ना ऑफिस में, राजवीर डैड के साथ ऑफिस गया है, आई मीन उसका फर्स्ट डे है, मुझे तो जानना है उसका फर्स्ट डे कैसा जा रहा है। ऑब्वियसली यही कहेगा कि फर्स्ट डे है, डिफिकल्ट लग रहा है, बट मुझे उसके मुंह से सुनना है। हेलो हेलो मिस्टर राजवीर, हमारे नए बॉस। मेरा बॉस नहीं, कंपनी का बॉस। वैसे तो तू मेरा सर्वेंट है। मेरी कंपनी का भी सर्वेंट। ये बता तेरा फर्स्ट डे कैसे जा रहा है ऑफिस में? Are you liking it? कैसा कर रहा है जॉब तू? देख शौर्य, मैं भी बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत काम है, तू मुझे डिस्टर्ब मत कर। ओके? अच्छा, तू बिजी है? बढ़िया है, और मैं तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूँ? डिस्टर्ब तो तूने मुझे करके रख दिया है। ये बता कैसा लग रहा है मेरा हक मार के? मजा आ रहा है। नहीं, बहुत मजा आ रहा है मुझे। ये सोचकर मजा आ रहा है कि तू कितना बुरा है। Oops, so sorry, I mean to say कि तू बिजनेस में कितना बुरा है। इतना बुरा कि तुझे अच्छा बिजनेस देने से पहले तेरे डैड को समझ आ गया कि अगर तुझे अच्छा बिजनेस दिया तो तू उसे भी डुबो देगा, बिल्कुल बर्बाद कर देगा, इसलिए तुझे पहले ही साइड कर दिया। क्योंकि बर्बादियों के साथ कौन चलना चाहता है मेरे भाई? ओह, बिजनेस तुझे दे दिया, मुझे साइड में कर दिया। अरे थोड़ा बहुत बिजनेस तुझे दिया है, उसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई? थोड़ा बहुत बिजनेस दान में दे दिया, मैंने तुझे पहले भी कहा है। मेरे डैड ना थोड़े से क्रेजी है, कोई भी उनके आसपास थोड़ी बहुत चमचागिरी करता है उन्हें पसंद आता है, और तू तो चमचागिरी करने में मास्टर है। तूने भी बड़ा सही गेम खेला, डैड को बहलाया फुसलाया, उन्हें फंसाया, फिर उनसे ये दान में बिजनेस लेके तू मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। रुक जा बेटा, तेरा भी टाइम आएगा। मेरे डैड ना पागल है, पागल। तू जैसे उठा के बिजनेस दे दिया। नो, यू आर मिस्टेकन हियर। पागल तेरे डैड नहीं है, पागल तू है। तुझे लगता है तेरे डैड ने मुझे बिजनेस इसलिए दिया क्योंकि तुझसे वो नाराज है? नहीं, तेरे डैड ने मुझे बिजनेस इसलिए दिया क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अच्छा बिजनेस करता हूँ, मुझसे खुश है, मेरे काम से खुश है वो। और देख, मुझे काम आता है और तुझे काम बिल्कुल नहीं आता है। अब मेरे बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ और सच कड़वा ही होता है। मैं लायक हूँ और तू नालायक है।